अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैंगो फिरनी बनाने की रेसिपी। मैंगो फिरनी एक बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस डेजर्ट की रेसिपी है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनके तैयार हो जाती है। और गाइस जैसे कि आम का सीज़न चल रहा है तो ये जो रेसिपी है आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, और ईद का भी मौका है तो ईद पर ये डेजर्ट आप ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये बहुत ही क्विकली बनके तैयार हो जाती है। तो फिर चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 कप के करीब बासमती चावल, और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख लिया था। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 लीटर के करीब फुल क्रीम मिल्क यानी भैंस का दूध यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये जो दूध है इसको हम लोग गैस पर चढ़ा देंगे बॉईल करने के लिए। और अब ये जो बासमती चावल है इसको हम लोग को ग्राइंड करना है, तो इस तरह से इसका पानी निकाल के मैं इसको टम्बलर में ऐड कर दूँगी और इसको हम लोग एक फ़ाइन पेस्ट में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये जो दूध है अब इसमें हम लोग ये जो चावल का पेस्ट है वो ऐड कर देंगे। अब इसको हम लोग अच्छी तरीके से स्टर कर लेंगे। और अभी जो दूध है इसको हम लोगों को पकाना है, तो इसको हम लोग सबसे पहले तो हाई फ्लेम पे एक बार अच्छी तरीके से बॉईल होने देंगे। उसके बाद इसको हम लोग ढक कर पकाएँगे, तो तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको आप लोग कवर करके पकाएं जब तक कि अच्छा खासा गाढ़ा नहीं हो जाता है। बीच बीच में इसको आपको स्टर करते रहना है। तो वैसे देखिए अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है, इसको पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इसमें आप लोग 1 से 2 चम्मच के करीब इलायची पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो इलायची पाउडर ऐड करने के बाद इसको एक बार हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे शक्कर, तो 1 कप के करीब मैं इसमें शक्कर ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शक्कर ऐड कर सकते हैं। वैसे भी हम लोग इसमें मिल्क पाउडर ऐड करने वाले आगे, तो उस हिसाब से आपको शक्कर इसमें स्टार्टिंग में कम ही ऐड करनी है। अब इसको हम लोग एक बार अच्छी तरीके से स्टर कर लेंगे। और अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर, तो 1 कप के करीब मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसकी जगह पे आप लोग इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं, तो 1 कप के करीब इसमें आप लोग खोया ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है खोया मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो उसकी जगह पे आप लोग मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे बनाने के लिए। तो अब इसको हम लोग एक बार अच्छे से स्टर कर देंगे और इसको अब हम लोग कवर करके मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक कि अच्छी खासी गाढ़ी नहीं हो जाती है। तो बस देखिए जो हमारी फिरनी है अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है और बन के तैयार हो गई है। अब हम लोग फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 आम का पल्प, और अब इसमें हम लोग एक बार अच्छी तरीके से ब्लेंडर चला लेंगे। इसकी जो पल्प है इसका हम लोगों को एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो गाइस यहाँ पर मैं एक ट्रिक आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, अगर आपके खीर में भी लम्स फॉर्म हो जाते हैं तो उसमें इस तरह से आप ब्लेंडर चला लेंगे तो सारे लम्स आसानी से ब्रेक हो जाएंगे। तो गाइस ये जो फिरनी है ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है, अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे ये मैंगो पल्प और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये जो मैंगो पल्प आपको इसमें ऐड करना है ये एकदम गर्म फिरनी में नहीं ऐड करना है, थोड़ी सी ठंडी होने के बाद ऐड करना है, क्योंकि आम से ये जो फिरनी है इसका दूध फट सकता है, तो इसलिए जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद ही आपको इसमें आम ऐड करना है। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, अब इसको हम लोग एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। अब ये जो मैंगो फिरनी है इसको इस तरह से मैंगो क्यूब्स के साथ हम लोग गार्निश कर लेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 आम के क्यूब्स का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कूटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने बादाम और काजू को इस तरह से दरदरा कूट के तैयार कर लिया है। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स है इसको हम लोग इस तरह से फिरनी के ऊपर ऐड कर देंगे। इसको मैं इस तरह से बोल के सर्कमफ्रेंस पे ऐड कर रही हूँ। आप लोग जैसा चाहे इसको इस्तेमाल करके ये फिरनी को गार्निश कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोग बीच में भी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को प्लेस कर देंगे थोड़ा सा, और इसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। तो गाइस बस हमारी मैंगो फिरनी जो है बन के तैयार हो गई है। इसको हम लोग फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, और इसको एकदम चिल्ड हम लोग सर्व करेंगे। तो लीजिए गाइज हमारी मैंगो फिरनी बनके तैयार हो गई है। देखा आप लोगों ने कितनी आसान थी इसकी रेसिपी, और बहुत ही क्विक बनके तैयार हो जाती है। तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर ये डेजर्ट बनके तैयार हो जाता है, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। देखा आप लोगों ने कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनके तैयार हो जाता है, और बिलीव मी गाइज ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में। तो ये जो डेजर्ट है इसकी रेसिपी को आप लोग इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। गाइज अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, गुड बाय।